दो बड़े हरे हाथों ने लड़के का बिस्तर खोला और रेंगते हुए बाहर निकलने लगे। उसने उसका तकिया हटा दिया। लड़का उठा और उसे ध्यान से देखा तो वो एक हरे रंग का छोटा शैतान गुर्दा निकला। अचानक बूढ़ा गायब हो गया। मुझे लगा कि यह मेरे आंखों का भ्रम है, लेकिन अगले ही पल उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। वो दानव फिर से आ गया था। यहाँ पता चला कि जब तक वो अपनी एक आंख बंद करके रखता है तब तक वो दूसरे शैतानी दानव को देख सकता है। उस बदसूरत शैतानी दानव को देखकर वो काम रहा था। फिर वो शैतानी दानव उसकी आंख पर एक पत्ता चिपका देता है। वो इतना डर गया था कि वो बाहर भागने लगता है। घर में चीख पुकार मच रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी, मानो वो किसी अंधेरे आदिमानव जंगल में आ गया हो। और अब घर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। अचानक दो इंसानी हाथ दिखाई देते हैं जिसमें दो बड़ी भूतिया आंखें दिखाई दी। सामने आते दानव को देखकर वो इतना डर गया कि आंगन में छिप गया और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। लेकिन जल्द ही आंगन का दरवाजा बड़ी जोर से पटक दिया गया और एक बड़ा सिर अचानक दरवाजे के बाहर दिखाई दिया। उसने अपना छोटा चेरी मुंह खोला और जोर से सांस ली और फिर सारा कूड़ा कणकर बाहर निकाल दिया। घबराया हुआ लड़का उठ गया और हाफते हुए और एक दूसरे दानव से टकरा गया। लड़का इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर कमजोर हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, उसने एक तरफ एक अजीब आदमी को देखा जिसके सिर के पीछे 2 मीटर लंबी जीभ थी, लेकिन दूसरी तरफ का चेहरा एक खूबसूरत लड़की का था। लड़का कुछ समय के लिए सुंदरता का दीवाना हो गया और खुद को उससे नजर नहीं हटा सका। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसके हाथों में 80 साल का एक दानव बच्चा थमा था। वो चिल्लाया और उसे दूर फेंक दिया। उसने अपने पैर फैलाए और पूरे रास्ते भागने लगा। जल्दी ही वो फिर से राक्षसों से घिर गया। अनगिनत राक्षसों और सभी प्रकार के भूतों ने लड़के को घेर लिया। फिर बर्फ की भूतनी ने बर्फ से लड़के को जमा दिया। ठंड से लड़का बेहोश हो गया था। दिमागी राक्षस ने परीक्षण पत्र निकाला और पुष्टि की कि यह लड़का वो व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे। लड़के को जगाने के बाद राक्षस दुनिया को बचाने के लिए उससे विनती करने लगते हैं। तभी पता चला कि लड़के का पूर्वज एक शक्तिशाली राक्षस शिकारी था जिसने अपना जीवन राक्षसों को मारने में बिताया था और वो बहुत शक्तिशाली था। अब उनके देश में एक भयानक भूत राजा ने कब्जा कर लिया है जो मरे समुद्री जीवों के भूतों से बना है। केवल राक्षस शिकारियों के वंशज ही इससे छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन लड़के के डरपोक व्यवहार से उन्हें लगा कि उन्हें गलत लड़का मिल गया है। तभी उसका छोटा भाई जो अभी अभी उठा था, उन्होंने गलती से सोचा कि यही उनका मसीहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसलिए राक्षस पहले वाले लड़के को तुरंत वापस भेज देते हैं। जब लड़का जागा तो उसने पाया कि उसका भाई गायब हो गया है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए जल्दी से बाहर निकला। लेकिन रास्ते में उसका एक जादूगर से सामना हो गया। जादूगर धीरे धीरे एक लोमड़ी में बदल गया। जब लड़के ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो असली पूंछ वाले लोमड़ी को आश्चर्य हुआ। यहाँ पता चला कि उसे एक जादूगर ने बचाया था और वह हमेशा उसका आभारी था। हालांकि लड़के के वंशज की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए उसने एक जादू किया, फिर नरक का दरवाजा खोल दिया। अगर लड़के ने इसे आराम से पार कर लिया तो वो अपने भाई को बचा सकता है। अपने भाई को बचाने के लिए लड़के ने बोर्ड पर कदम रखने का साहस जुटाया और जल्द ही बीच की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन क्योंकि बोर्ड अभी भी हिल रहा था, चलते चलते लड़का अंतहीन खाई में गिर गया। जागने के बाद उसकी मुलाकात एक अजीब दुनिया में एक पंजे वाले राक्षस से हुई। वो उसे आगे तक ले गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने सोए हुए ड्रैगन हड्डी वाले राक्षस को फिर से जगा दिया। ये देखकर कि पंजे वाले राक्षस को प्रतिद्वंद्वी द्वारा बेतहाशा पीटा जा रहा था, वो आगे बढ़कर उसकी मदद करने की हिम्मत करने लगता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में लोमड़ी अचानक प्रकट हुई और ड्रैगन हड्डी राक्षस को काबू कर लिया। यहाँ पता चला कि यह सब लड़के के लिए एक परीक्षा थी। उसने लड़के के साहस को पहचाना और उसे एक शक्तिशाली हथियार सौंप दिया। इसे केवल वास्तविक राक्षस शिकारियों का वंशज ही उपयोग कर सकता है। फिर वो लोग उसके छोटे भाई की तलाश के लिए ड्रैगन बोन राक्षस पर सवार हो गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां राक्षस को सील कर दिया गया था, तो एक मकड़ी राक्षस अचानक प्रकट हुई। ड्रैगन बोन राक्षस तुरंत उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा। इस समय एक और राक्षसों का समूह वहां प्रकट हुआ। यह एक मेढे का सींग निकला राक्षस ने उन दोनों को धोखा दिया और लोमड़ी को भी इसमें फंसा दिया, जिससे शक्तियां खो गई। महत्वपूर्ण क्षण में लड़का आगे बढ़ा और तलवार निकाल ली। अगले ही पल उसके शरीर पर एक तेज रोशनी चमकी जो सुनहरी रोशनी से ढकी हुई थी और तुरंत ही उसका शरीर शक्तिशाली कवच से लैस हो गया था। सभी राक्षस डर गए, लेकिन वे जल्द ही झुंड में आ गए और हमला कर दिया। अप्रत्याशित रूप से जादुई तलवार को बिल्कुल भी नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने राक्षसों को पीछे हटाने के लिए बस अपनी तलवार को लहराया। फिर उसने छलांग लगाई तो दर्जनों राक्षसों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने बिना किसी घबराहट के जमीन पर एक घेरा खींचा। फिर सारे राक्षस दूर दूर जाकर गिरते हैं। इस समय आसपास की जमीन हिल रही थी। पता चला कि भूत राजा वहाँ आ गया था। हर कोई जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। दक्षिण चीन सागर के लोमड़ियों को बचाने के लिए उसने अपना मुखौटा उतार दिया। फिर वो अपने असली रूप में आने लगी। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़के को बाहर भेज दिया, लेकिन शक्तिशाली भूत राजा का सामना करते हुए हर कोई जल्दी में भाग रहा था। वे सभी उसके सामने बेहद कमजोर लग रहे थे। महत्वपूर्ण क्षण में उसका छोटा भाई दानव राजा के कंधों पर सवार होकर उसका साथ देने के लिए आ जाता है। तभी पता चला कि वह भी दानव शिकारी का वंशज है। इस समय सभी राक्षस भूत राजा से निपटने की तैयारी के लिए एकत्र हुए। ये देखकर कि युद्ध अपरिहार्य था, दोनों भाई भी युद्ध में शामिल हो गए। लेकिन भूत राजा ने बस चिल्लाना शुरू किया और सभी राक्षस डर कर भागने लगते हैं। केवल दोनों भाई और दानव राजा आमने सामने लड़ने के लिए तैयार थे। उसने एक पल में टेटनस ब्लेड को 40 मीटर लंबी तलवार में बदल दिया। फिर अचानक ऊंची छलांग लगाई और ड्रैगन हड्डी राक्षस के साथ मिलकर 10,000 मीटर लंबी तलवार की रोशनी को भूत राजा के ऊपर चला दिया। प्रतिद्वंद्वी मौके पर ही टुकड़ों में कट गया। हालांकि इससे पहले कि राक्षस 2 सेकंड के लिए खुश हो पाते, जो भूत राजा जो 2 हिस्सों में बन गया था, अजीब तरह से फिर से एकजुट हो गया, जिसके बाद वो उससे भी अधिक शक्तिशाली भूत में परिवर्तित हो गया। अब तो शैतान भी भागने को तैयार थे। भयभीत राक्षस और भी घबरा गए ये देखकर कि दुनिया का अंत होने वाला है। दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने राक्षसों को एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए समूह नृत्य के साथ दोनों ने एक बहुत ही मार्मिक गीत गाया और एक दूसरे की नाराजगी को दूर करने लगे। गाने को सुनकर भूतिया ड्रैगन भी बिखर गया और अंत में एक ऊंचे पेड़ में बदल गया और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। हालांकि फिल्म में समुद्री जीवन की समस्या का समाधान कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में गंदी नाली से बनी जहरीली नदी में रहने वाली मछलियों और जीवों का बदला कौन लेगा?